ये जो आपने जी कार्ड पे साइन होते देखे, एक्चुअली ये कोई अकदे सानी नहीं है और ना ये कोई निकाह नामे पे साइन थे, ये हमारे ये दोस्त हैं, ये जो इस ग्रुप के एक मेंबर हैं, तो उनकी आज बर्थडे थी। तो ये जिस जब भी एक ग्रुप मेंबर की बर्थडे होती है तो ये जितने भी शेर दिल बैठे हुए हैं ये उसको विश करते हैं, और विश करने का तरीका ये है कि आप ऐसी विश करें कि जो एक रिटर्न और लिखी हो वो बंदा बाद में भी जब देखे और देखे कि मुझे मेरे ग्रुप के मेरे फ्रेंड्स ने मुझे क्या विश किया था, तो वो बर्थडे कार्ड पे सब लोग उसको विश करते हैं और अपनी अपनी नेक तमन्नाओं का उस कार्ड पे इजहार करते हैं। ये जी सबसे अहम होता है, हमारी पूरी टीम की ख्वाहिशात होती है। केक तो वैसे मजे का होता है लेकिन जब दोस्तों के साथ खाएं तो बहुत मजा आता है। बुनियादी तौर पर ये जो हम मेरे फ्रेंड सारे इकट्ठे होते हैं और हम सुबह यहाँ पे तकरीबन 5:30 बजे आ जाते हैं और उसे खाई जाने करते हैं। पिछले दो तीन सालों से हम मुसलसल यहाँ पर रेगुलर कर रहे हैं। तो इतफाक से आज मेरी पिछले 19 तारीख को मेरी बर्थडे थी, तो मेरी कुछ तबीयत नासाज थी, तो फिर हमने ये बर्थडे थोड़ा सा हमने आगे की और आज हमने अपनी ये बर्थडे सेलिब्रेट की है। इस सिलसिले में गुजारिश करूँ, मैंने ज़िंदगी में मैंने कभी भी ये सेलिब्रेट नहीं की है, लेकिन यहाँ के इनका क्योंकि जुनून और जज्बा देख के जो हर साल ये लोग करते हैं, तो फिर मुझे भी ये ख्याल आया कि मैंने भी, और ये सारा क्रेडिट गो टू दिस ग्रुप। तो सीधी बात, हमारा इससे जज्बा जुनून हमारा फिर बढ़ता है और हम इस एक्टिविटी को कंटिन्यूसली जारी रखी हुई है, और अल्लाह का बड़ा करम है कि जब से हमने ये काम शुरू किया है, एक्टिविटी अपनी जनरेट की है फिजिकली हमने फिटनेस के लिए, तो यकीन जाने मैं खुद अपने आप को बिलाशुबा मैं अपने आप को 26-23 का मैं अपने आप को मतलब पाता हूँ कि मैं उस लाइफ पे आ गया हूँ। इस तरह हमारी ये जो हर लिहाज से ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली हमारी फिटनेस हमारी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि अल्लाह के फजल करम से मैं समझता हूँ क्वाइट यंग। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने लिए 24 आवर्स उनके पास है, तो अपने लिए अपनी ज़ात के लिए किसी और के लिए नहीं बल्कि अपनी ज़ात के लिए कम अज़ कम ये 1 घंटा निकालें, और ये 1 घंटा सबसे बेहतरीन जो है वो सुबह सुबह का टाइम है। ये आप देखें एटमोसफेयर कितना ज़बरदस्त है, सुबह सुबह का टाइम है, खूबसूरत है, लब सब लोग यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं, एनर्जेटिक हैं, खातिन हैं, बाकी लोग हैं, तो ये असल ये यही चीज़ है, यही आपकी ज़िंदगी है। और यही आप देखें, आप 100 साल भी अगर ज़िंदा रहे ना, तो अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक है तो सब आप बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्वान्टिटी लाइफ जो होती है आपको पता है, वो तो कोई पता नहीं होता इंसान कब चला जाता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना वो कम अज़ कम आप खुद यहाँ पर रहने इंतज़ार करता है कि आप इसको किस तरह इसको आप कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी हज़रात जितने भी तशरीफ़ लाए मेरी बर्थडे पार्टी में, मैं सबका इंतहाई मशहूर शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा भी हमारा ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहेंगे। शेर दिल जिंदाबाद।
आज आप देख रहे हैं जैसे ये कुछ आपको कैमरे के बैकग्राउंड, मेरे बैकग्राउंड में कुछ आपको गहमा गहमी नज़र आ रही होगी। ये आज हमारे एक शेरदिल हैं, उनकी आज बर्थडे थी। शेरदिल जो हमारी ये छोटी सी एक कम्युनिटी है, वेलफेयर ग्रुप है, सुबह हम आते हैं, इकट्ठे होते हैं और अपने अंदर के उस नन्हे से बच्चे को जो कहीं बहुत इस माशरती हालात, समाजी हालात, सियासी हालात, इनमें कहीं वो गुम हो गया है वो बच्चा, उसको अपने अंदर से टटोल के तलाश करने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में खुशियाँ समेटते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, आसानियाँ बांटते हैं, आसानियाँ समेटते हैं। इसी एक छोटे से तस्वुर पे हमारा ये कुंबा अल्लाह ताला के फजल करम से आगे परवान चढ़ रहा है, दिन ब दिन इसमें हमारे ग्रुप में इजाफा हो रहा है और ये इसी तरह से ये खुशियों का काफिला चलता जा रहा है। आप भी अपने अंदर खुशियों को ढूंढने की कोशिश करिए। याद रखें, गम बगैर मांगे मिल जाते हैं, खुशियाँ जिनको चुराना पड़ता है। खुशियाँ चुराएँ, खुशियाँ ढूँढें, खुश रहें। तो आज जो हमारे सरदार अब्रार साहब हैं, उन्हें क्लब को ज्वाइन किए हुए एक साल हुए, तो आज हमारा जो मुन्ना था वो एक साल का था। इसी तरह जिनको दो साल हो जाते हैं, तीन साल हो जाते हैं जब वो हमारे साथ बर्थडे मनाते हैं, तो वो उनकी उतनी सालगिरह होती है। अभी तक जो हमारे सबसे बड़े शेर दिल हैं वो चार साल के हुए, उनकी चौथी सालगिरह हम लोग की। देखिए, मेरे पास एक ऑपरचुनिटी के मैं सोया रहा था, लेकिन मेरे दोस्तों का फोन आया कि आज एक जबरदस्त सा इवेंट है, तो ज़रूर पहुँचना है। तो यार ये चीज़ें अगर मैं कहीं और अकेला बैठ के खाता तो वो मज़ा ना आता। अपने दोस्तों के साथ खाने का इस मौसम में जो मज़ा है ना, इसका लुत्फ दुबाला हो गया है। कराची और पेशावर से फटवा आ रहा हूँ और चूँकि हमने शुरू किया था और हम जो है मैं और मुफ्ती साहब और शफी साहब, हम लोगों ने शफी साहब 7 साल हो गए, शुरू किया 7 ईयर्स बैक, और मैं चूँकि 3 साल पहले कराची चला गया था, बट जैसे ही मैं वीकेंड पे आता हूँ मैं ज़रूर चक्कर लगाता हूँ। ख़ासतौर पर अभी शुएब ने फ़ोन किया, यानी आपने आना है, और अली साहब को मैंने बुलाया अभी फ़ोन करके कि जी आए, भिंडी से भागता हुआ आए, भिंडी से भागते हुए आए। तो इस ग्रुप की जान जो है, इस ग्रुप की जान ये अभी पहुंचे हैं अली भाई, और हमने ये पूरे सेशन में वो एक्चुअली खाना खा रहे हैं, तो हमने पूरे सेशन में अली भाई को इतना मिस किया, हमें वो एनर्जी नहीं आ रही थी, अब अली भाई को देखते ही पूरे ग्रुप में करंट दौड़ गया। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कुछ बोलने का। ये बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं 18 साल से 20 साल के यंग बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ उनकी चुरमट में बैठ के जिस तरह से ये सुबह का नाश्ता हो रहा है, आप यकीन करें मेरी इस लाइफ के अंदर कभी भी इस तरह का खुशी का लम्हा, और हम रोज़ाना इस तरह से करते हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ये बहुत खुश नसीब लोगों को ये नसीब होता है। इसमें आपका हेल्थ, इसमें आपका जहनी जो रिलैक्सेशन आपको नसीब होता है, वो कहीं भी किसी डॉक्टर किसी जगह से नहीं हो सकता है। जो इस जुर्मत में ये हमारे साथी हैं, हम बैठ के गपशप करके कह कहा लगा के हम इसे जो है लुत्फानंदोज़ होते हैं। अच्छा, इसने छेड़ दिया है, और ये वाजे कर दूं कि अन करीब हम जो है एक प्रोग्राम बना रहे हैं, जितने मेंबर्स हैं जो आना चाहे, हम दुबई का भी प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं सर्दियों में। ठीक है जी, हम इंशाल्लाह 7 दिन का ट्रिप लगाएंगे और इसमें साथी हमारे जो है इसके साथ एग्री करेंगे, हम शुरू करेंगे। तो ये आज एक और हमारे ग्रुप मेंबर की बर्थडे थी, तो ये मैं आपको एक्चुअली इस व्लॉग में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इस ग्रुप में और इस तरह की कम्युनिटीज़ में जब आप इसके मेंबर्स होते हैं, तो वैसे तो आप इस तरह की छोटी मोटी खुशियाँ घरों में या अपने दूसरे रिलेटिव्स में स्पेंड करते हैं, लेकिन एक फ्रेंड सर्कल्स में इस तरह के अरेंजमेंट होने, आई थिंक सो ये एक बड़ी खुशी की बात है, और यही चीज़ है दैट्स कीप यू अलाइव। तो ये माशाल्लाह हमारे ग्रुप के मुदस्सर मुफ्ती साहब हैं, वैसे तो बाय प्रोफेशन ये एक डॉक्टर हैं, लेकिन ये दिलों के भी डॉक्टर हैं, ये एक बहुत अच्छे पोइट और बहुत अच्छे शायर हैं, हम आपको इनका एक शेर सुनाते हैं। मैं तो एक राहिए गुम गश्ताए मंजिल हूँ मगर, मैं तो एक राहिए गुम गश्ताए मंजिल हूँ मगर, लोग क्यों कर मेरे कदमों के निशान तक पहुँचे, लोग क्यों कर मेरे कदमों के निशान तक पहुँचे। ये मैंने अर्ज किया अपनी जात के लिए, तो कोई मुझे फॉलो ना करे, मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान। याद में खो गई हैं जो रातें, तेरी याद में खो गई हैं जो रातें,
मेरा बस असासे सफ़र हैं वो रातें, मेरा बस असासे सफ़र हैं वो रातें, जो तू खो गई उस सबे कहकशां में, जो तू खो गई उस सबे कहकशां में, भला क्या मिलेगी मुझे उस जहां में।